क्योंकि यू बीइंग आवर फैमिली डेंटिस्ट एंड और स्पेशली जब आपका रेफरेंस ये है कि वो आ रहे हैं तो फिर ये एग्री कर गई, तो इसलिए आज थोड़ा क्योंकि अंकल रबानी को पता नहीं था रबानी रोस्टिंग में, इसने सोचा दीदी रोस्टिंग करूंगी मैं, ये तो उल्टा पड़ गया जी रबानी। तो जैसे छोटे बच्चे जाते हैं वो टूथपेस्ट आप राइस के जितना, तो मतलब टूथपेस्ट में ना जैसे क्या होता है फ्लोराइड होता है शायद, वो एड में मिलेगा आपके टूथपेस्ट में नमक है। फ्लोराइड तो केमिकल होता है और नमक होता है आयोडीन, तो वो तो अलग होगी। तो फ्लोराइड वाला और नमक वाला क्या है, क्यों पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? एक टूथपेस्ट में बहुत सारी चीजें होती है, it's not just about the number, it's not just about the fluoride, there are a lot of more things into it. When it comes to choosing the toothpaste, hum kya karte hain, aaj hum party gaye shaam ko, discussion by chance ho gaya, yaar maine wo nayi toothpaste dekhi hai, uska flavor bahut badhiya hai, wo badi sahi lagti hai karke, हम उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, कुछ नहीं देखते है क्या फ्लोरिडेटेड है नॉन फ्लोरिडेटेड है, अगर फ्लोरिडेटेड है तो कितना पीपीएम 5 per million फ्लोराइड है उसमें, क्या कुछ भी नहीं देखते हम, बस क्योंकि फ्रेंड को मजे आ रहे हैं उसमें करने में, वो फ्रेश फील कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। लेट मी गाइड यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लोराइड एक्सेस ऑफ फ्लोराइड से भी कैविटीज होती है एंड लेस फ्लोराइड से भी कैविटीज होती है, विच इज नोन एज फ्लोरोसिस। अगर आप फ्लोराइड कम यूज कर रहे हो इसका मतलब आपका इनामल, आपका ये सब रीमिनरलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है? और अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो इवन दैट इज नॉट हार्मफुल। तो फॉर बोथ द केसेस जब हम बच्चों के लिए टूथपेस्ट देखते हैं, अगर उसमें फ्लोराइड है इट शुड बी अप टू 550 ppm मैक्सिमम, एंड आजकल इंडियन डेंटल एसोसिएशन अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने और फर्दर रिसर्च करते हैं, यू कैन गो अप टू 1000 एज वेल बट नॉट मोर देन दैट। रीजन क्योंकि बच्चे कई बार स्पिट नहीं करते, गल्पिंग कर देते हैं, तो देयर इज आल्सो अ टर्म नोन एज फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती वो, वी सी अ लॉट मतलब 1 in 1 million केसेस टाइप्स, बट इट कैन लीड टू एनीथिंग, है तो वो केमिकल। तो इसलिए बच्चों में अब नई चीज आ गई है, नॉन फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट आ गया है। पर अभी आपने बताया कि फ्लोराइड का ना होना इज आल्सो हार्मफुल, उसका एक सब्स्टिट्यूट आ गया। अच्छा ओके, उसका सब्स्टिट्यूट आ गया कि अगर आपने गल्पिंग भी कर लिया नहीं भी स्पिट किया तो इट वोंट हार्म यू, तो ऑलवेज चेक द टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट्स। नाउ दैट यू आर एन एडल्ट आपके लिए इट कैन गो अप टू 5000 ppm For kids, up to, man, low 5 years, it should not be more than 1000, मतलब 1000 is the max. कभी आप Colgate वगैरह पे देखोगे ना उसमें लिखा होगा 4500 ppm, 5000 ppm, 5500 ppm लिखा होगा उसमें amount of fluoride that is there in the toothpaste. अगर fluoridated है तो एक चीज जो youngsters में और इस तरह के बच्चे में कि उन्हें ये होता है कि हमारे दांत में एकदम मोती की तरह व्हाइट चमकते हैं हमेशा, जैसे टीवी में ऐड आती है ना हैप्पी डेंटल तो क्या
उसके लिए पर्टिकुलर कोई अलग से टूथपेस्ट आता है या कुछ ऐसा रियली इफेक्टिव होता है जिससे कि वो, या कोई और सजेशन आप देना चाहेंगे इसके लिए? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, दिस जनरेशन इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ ड्रिंक्स जी, चाहे हम उसको एनर्जी ड्रिंक बोल दें, चाहे हाइड्रेशन ड्रिंक्स बोल दें, चाहे बेवरेजेस बोल दें, बिकॉज एवरी इतनी न्यूमरस कैटेगरी हो चुकी है विच हैज लॉट ऑफ कलर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन टू इट विच इज नॉट गुड एट ऑल. दूसरी चीज, कोला बॉटल पी लिया तो दांत तो एक्सपोज हो ही रहे, कलर तो कहीं ना कहीं होगा. अगर आप कहीं पे भी ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ऑलवेज यूज अ स्ट्रॉ. अच्छा, दांतों का एक्सपोजर नहीं होगा. हैव नाइस टीथ, वाइट टीथ, इवन आई ब्रश ट्वाइस अ डे, दैट्स नाइस. मिलने का कुछ तो फायदा हुआ मुझसे, आई ब्रश ट्वाइस अ डे. और एक मुझे याद है आपने मुझे एक मूवी दी थी, वो पेस्ट तो मुझे रात को लगा सोने से पहले मैं वो भी लगा के सोती हूँ. टूथ मूज मैंने तीस का मैं पूरा ऐसे ख्याल रखती हूँ, मैं थोड़े आगे पीछे है उसकी कोई टेंशन नहीं है, ध्यान पूरा रखते हैं. वेरी गुड. और कोई पॉइंट आपका, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए. अभी हैं? हाँ, अभी तो बहुत सारे हैं. आई एम फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज टुडे, क्योंकि मतलब दीदी से जितनी बार ही बात करते ना, हर महीने क्वेश्चन आते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है. बहुत अच्छी बात है, क्यों जितनी आप पूछोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी. आज मैं फ्रेंकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें 70 साल के बाद आज समझ रहा हूँ कि कैसे दांतों की केयर अभी करनी चाहिए. अगर मैं शायद पहले करता जो मेरे 3 चले गए, शायद मैं उनको बचा देता. आपके तो 3 ही गए, खाली बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गए होते हैं. सबसे इजीएस्ट है, अगर आई वुड सजेस्ट रेकमेंड एवरीबॉडी, वार्म वाटर गॉगल्स जी जरूर कीजिए. पोस्ट मील्स, आपने ब्रेकफास्ट खत्म किया, आप घर पे हैं, ऑफिस में हैं, ऑफिस में है, नहीं पी पा रहे, टेक वाटर, टेक इट इन योर माउथ, स्विश इट एंड गल्प इट डाउन. पानी का अमाउंट ज्यादा रखिए, सॉफ्ट खाइए, नट्स खाइए एंड ऑलवेज स्विश, ऑलवेज. जितना आप स्विश करेंगे फूड लॉजमेंट कम होगी, कैविटीज कम होगी, केरीज कम होगी, हमारा मिलना कम होगा. फिर क्यों और कैसे वो भी कम हो जाएगा. तो मैं ये कहती हूँ, जैसे आप तो काम ही छोटे बच्चों के साथ, तो छोटे बच्चे तो हमेशा या तो दूध की बोतल उनके मुंह में होती है या वो अपना थम्स अप करते हैं, तो इसके भी तो कुछ ना कुछ ना साइड इफेक्ट्स होते ही होंगे. कि रात को जैसे सोने से पहले दूध पी लिया, कि सोने से पहले तो हमें दूध चाहिए ही चाहिए, या मतलब 24/7 थम मुंह में है, तो इसका तो मतलब क्या इसका होता होगा कि उनके टीथ डिसफिगर हो जाते हैं क्या? जो थम्स अप करते हैं कॉर्ड्स उनके डिसफिगर होते हैं. जब आप थम मुंह में लेते हैं तो आपका अपर अपर जॉ जो है, जब आप कॉन्टिन्यूस लेते हैं तो फॉरवर्ड प्रोक्लाइंड हो जाते हैं, फॉरवर्ड क्रेज हो जाते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं. इसलिए सबसे पहली चीज हम कहते हैं, अगर पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि इनको थम्स अप की आदत है, उसे हम बोलते हैं हैबिट ब्रेकिंग में पहले ये होता था कि भाई मिर्ची लगा दो, नींबू लगा दो, नीम का रस लगा दो. बच्चे आजकल स्मार्ट है, ये सब चीजें के अच्छा एक बार ही तो आएगा, नेक्स्ट टाइम में तो सब टेस्टी लगेगा, पुराना वाला स्वाद आएगा. मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लेट देम डू इट एंड आस्क देम कि देखो यू आर डूइंग लाइक दिस, डज एनी ऑफ योर फ्रेंड्स डू इट, आर यू लुकिंग गुड. तो पॉजिटिव कंडीशनिंग करनी, ये नहीं कि अंगूठा अच्छा अंगूठा तो सब इधर आ तेरे लगाऊं दो अब बता दोबारा फिर दोबारा डाले तो दैट इज नॉट द वे. वो तो आज की जनरेशन का तो वैसे भी इंक्लूडिंग ही बहुत होता है, मतलब हमारे दोस्त ऐसा नहीं करते, हमें ऐसा नहीं करना, हम ऐसे हो, हम वैसे, यू मतलब बिकॉज टाइम्स हैव चेंज एंड पीयर प्रेशर इज वेरी इज प्लेइंग अ वाइटल रोल. मतलब ऐसा है कि बहुत बार बच्चे पेरेंट्स की बात को डाउट कर जाते हैं, बट अगर फ्रेंड ने बोल दिया ना प्रलय आ जाए, वो बात गलत नहीं हो सकती. रबानी, अब मैं तेरे से एक चीज पूछता हूँ. नॉर्मली जब बच्चे के दांत आते हैं तो सफेद होते हैं, साउथ अफ्रीका में दूध बहुत काले होते हैं, उनकी स्किन कलर सारा बहुत काला होता है, तो उनके बच्चों के दांत जो आते हैं वो किस कलर के आते हैं? सफेद. हाँ, तो सेम ही करते हैं, सेंसरशिप हो जाएगी, रेसिज्म हो रहा है.
मैं तो मेरा आईक्यू चेक कर रहा हूं, मेरा आईक्यू ठीक ठाक है। नहीं मैं इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रही थी एंड यू वन एंड रियली गुड। थैंक यू। उसे मैंने रुवानी से ऐसे ही मजाक में करता रहता हूँ जब भी खाली बैठता हूँ, तो मैंने उसे कहा सिंगापुर में एक बच्चा पैदा हुआ है उसका बेटे है 80 kg। और मैंने कहा 3 महीने के बाद उसका वेट हो गया 120 kg। या मेरे से बड़े लोगों में लाइक एडल्ट्स होते हैं जो मोस्टली जैसे मसूड़े फूल जाते हैं टू इम्प्रेसाइज जो क्या कहता हूँ उसको जिंजिवाइटिस, हाँ वो जो होता है, तो उसके लिए हमारी एज में भी साइंस आते हैं सिम्टम्स होते हैं अगर आते हैं तो क्या है वो मसूड़ा फूलना इज डिफरेंट एंड जिंजिवाइटिस इज डिफरेंट। मसूड़ा फूलना मतलब स्वेलिंग आ गई, बट वही बात है जब हम क्लिनिक में बैठते हैं तो हर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम अपनी कंप्लेंट बोलने के लिए सेम कंप्लेंट बोलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करता है। जैसे आपने बोला मसूड़ा फूलना जबकि आप कहना चाह रहे थे कि रेडनेस हो जाती है खून आता है या कुछ भी, मसूड़ा नहीं फूलना। अच्छा मसूड़ा फूलना इज मतलब एब्सेस, एब्सेस मतलब पस, मतलब वो इन्फेक्शन ज्यादा है पहली चीज। जिंजिवाइटिस इज अ डिफरेंट थिंग। जिंजिवाइटिस में ये होता है कि आप ब्रश कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस, जब भी आप रोज सुबह ब्रश कर रहे हैं तो यूर ब्लीडिंग, योर गम्स आर ब्लीडिंग और गम्स आपके रेडिश कलर हो गए, पेल पिंक कलर नहीं है। अगर आप चेक करोगे अपने जिंजाइवा अपने गम्स को इस टाइम पे तो दे विल बी पिंक इन कलर। अगर आपके इन्फ्लेमेशन है इन्फेक्शन है या जिंजिवाइटिस है तो इट विल बी रेड इन कलर। एक ना छोटे बच्चे मेरे से कई बार सवाल करते हैं कि स्वीट्स खाते हैं मिठाई, आज फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है तो मिठाई बहुत खाते हैं चॉकलेट बहुत खाते हैं। वो कहते हैं ये इतनी अच्छी शॉप से लाए हैं इतनी बड़ी कंपनी की चॉकलेट है आपके तो ये खराब है ये हमारे दांत खराब कर देंगे। तो जब इतनी अच्छी चीज है तो वो हमारे दांत खराब क्यों करती है कैसे करती है? एक चीज तो आपने बताया कि कोई भी चीज एक्सेस में लेते तो वो नेचुरली नुकसान करेगी, लेकिन ये जो स्वीट्स वाला है इसको मैं भी बच्चों को नहीं कन्विंस कर पाया तो वो आप कैसे बच्चों को कन्विंस करेंगे प्लीज? इंग्रेडिएंट्स अगर आप पर्क और किटकैट ले लोगे तो दोनों तो सेम ही है ना। अगर आप मैं दोनों खोल के रख दूं तो वुड यू बी एबल टू डिफरेंशिएट? वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनी बनाती है वो तो इतनी अच्छी चीज बना रहे हैं तो और हमारे साथ में आपको गाइड नहीं कर देगा कि वो ये थोड़ी कह रही है सामने कि ब्रश भी करो कुल्ला भी करो ओरल हाइजीन मेंटेन करो। ये पॉइंट कुल्ला करो ब्रश करो उसके बाद सारा मतलब आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ उसके, किसी ने मना थोड़ी किया। और अंकल जैसे आपने कहा आपके टाइम पे ये सब नहीं होता था, पर आपके टाइम पे फिर टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, जंक फूड नहीं था, नहीं मैक्सिमम घर में कभी कोई गेस्ट आए तो पकोड़े घर में बनते थे बस। मतलब मैं आपसे ऑफ कोर्स बहुत छोटी हूँ बट मुझे ये याद नहीं है कि कब हम कितनी ऑफन ली हम बर्गर या पिज्जा खाते थे। इफ इट यूज्ड टू बी अ फ्रेंड्स बर्थडे a slice of cake, samosa, wafers, and egg fruity. So the amount of junk food has increased a lot. Screen time is ruining things to a lot more extent than we think. क्यों? बच्चा सामने स्क्रीन पे बैठा है, हम खाना डाल रहे हैं खाना यही लेके बैठा है जब तक हमने याद नहीं दिलाया कि भैया ये मुंह में है इसे खाना है आपको, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है।
मतलब वो वहाँ पे रखा हुआ है, और अब रखा है कितना चबाया कितना खाया वो तो वही रह गया, उसके बाद हम बिजे हुए, हमने कुल्ला करवाया नहीं करवाया, तो these are bad. The exposure to junk food is bad. It has gone very high. The exposure to these drinks has gone high. अगर हमारी एज के ये जो पैक फूड है आजकल मैक्सिमम आइटम जो है वो कंपनी से पैक होके आ रही है और उसकी वो जो एक्सपायरी डेट है एक साल डेढ़ साल दो साल, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव या कुछ केमिकल ऐसे जरूर होते हैं। तो आज की डेट में बच्चे मैक्सिमम जो टीवी पे देखते हैं मार्केट जाते हैं सबसे पहले उनको वही चीजें चाहिए, तो उनका कितना नुकसान है। कुछ हद तक इवन आई गिव पैकेट फूड टू माय डॉटर, मैं ये जरूर है कि आई चेक द इंग्रेडिएंट्स, बट कई बार अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं कुछ है तो हर जगह मैं घरों के इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक करती, बट लिमिट मुझे पता है कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे इतना ही देना है। दैट डज नॉट मीन कि बाहर जा रहे हैं मौज लो ब्रश नहीं करो, अब घर पहुंचेंगे तब सोचेंगे कि करना क्या है इसका, वो नहीं। क्वांटिटी जिसे कहते हैं लिमिट कर लो। ओरल हाइजीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्विश रिंस, वो करो एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉर्टेड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज हम यूजुअली ब्रांड्स पे जाते हैं कि चल हम ये वाले ब्रांड का माउथ वॉश ले आते हैं, वो वाले ब्रांड का माउथ वॉश ले आते हैं, यस डू यूज इट बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस और ऑन वेरी हाई बेसिस। सबसे जैसे अंकल कह रहे हैं ना दातुन, वैसे उसका इजिएस्ट उसी टाइम का या जनरली क्या है, गुनगुना पानी करो, चुटकी भर नमक डालो और कुल्ले कर लो, इजी और बेस्ट, इजी अवेलेबल एवरीवेयर, भूल भी गए तो कोई परेशानी नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, पहले मैं कभी कभी करता हूँ जब कभी पेन होता है या कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन आज मैं निधि जी प्रॉमिस करता हूँ कि तीनों मील के बाद ये मैं जरूर करूँगा। ये प्लीज कीजिए अंकल, बिकॉज़ ये हेल्प इससे क्या होगा, आप एक ग्लास लेंगे जब स्विश करेंगे ऑटोमेटिकली बहुत सारी जगह पे जो खाना भी फंसा होगा वो भी निकल जाएगा, तो दैट विल आल्सो हेल्प। हां जी रवानी जी, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सीरीज है मेरी, नहीं ये तो बिल्कुल भी सीरीज नहीं। एज अ किड ना मैं खुद बिलीव करती थी वो डेंटिस्ट, मतलब जब वो कोलगेट किया किसी भी कंपनी या टूथपेस्ट के आ रहा था उसमें टीथ बना हुआ नहीं आता, कहते थे आप मेरे को यूज करो वाला जो टीथ होता था, मैंने उस पर बहुत भरोसा किया, मेरे को वो चाहिए, मेरे को बारबी डोरा वाला ही टूथपेस्ट चाहिए, मुझे पिंक कलर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, मैंने वो बहुत यूज किया लाइक टिल अ वेरी गुड एज, उससे पहले मैं कोलगेट यूज नहीं करती थी। तो लाइक मी और भी तो सारे बच्चे हैं वो, और स्पेशली आज भी उनको तो वैसे कार्टून से ऑब्सेशन है कोको मेलन की, जो अगर ये चीज बोल रहा है तो इसका मतलब ये चीज सच है तो यही चाहिए, तो अगर उसमें कुछ मतलब बाद में फिर वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि ये तो है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट को आप कैसे करते हैं? बहुत बच्चों ने आपसे पूछा होगा कि ऐसे क्यों है ये, वो डांस क्यों नहीं करता। डिसअपॉइंटमेंट किस चीज से? डिसअपॉइंटमेंट वो कि जब हमने टूथपेस्ट लिया उसमें हमें टॉय नहीं मिला या हमें टूथपेस्ट पसंद नहीं आ रहा है या इसका टेस्ट जल्द है, वो आप कैसे फिर उनकी डिसअपॉइंटमेंट करते हो कि अगर आप कोलगेट पे स्विच करा रहे हो फिर अच्छा नहीं है बुरा है, बच्चों की डॉक्टर नहीं बनती, फिर मैं उसमें खूंखार डॉक्टर बन जाती हूँ कि भैया वो पेस्ट है, मैं टॉफी नहीं बोली थी कि बड़ी टेस्टी होगी, खा जाओ लपेट लो उसको एकदम मजा ले लो, पेस्ट की तरह करो उसको, दवाई है वो आपके लिए, दांत सफाई करनी है। ये तो जो कह रही है ना वो बच्चे के दांत में दर्द हुआ तो वो दवाई लिखने लगे डॉक्टर साहब प्लीज कड़वी नहीं लिखना, फिर लिखने लगा डॉक्टर साहब प्लीज कड़वी नहीं लिखना, कहता मैं दो रसगुल्ले और दो चॉकलेट लिख दूंगा तो ठीक है तुम्हारे लिए, उससे ठीक हो जाना परफेक्ट है वो। ऐसे एक दिन मेरे पास एक पेशेंट आया वेरी स्मॉल मतलब 6-7 इयर्स के आसपास होगा, वही सेम जैसे आप कह रहे हो कि दांत आ रहा था नीचे से पक्का दांत आ गया, परमानेंट टूथ आ गया, मिलती तभी गया नहीं तो मैं निकाल रही थी, अब क्योंकि वो मोबाइल था एंड मैं उसको जितना समझाती ऑफ कोर्स वो नहीं समझता, आई गॉट टू नो हिज माइंडसेट, मैंने कहा बेटा मैं सिर्फ चेक कर रही हूं एंड आई स्प्रेड अ लिटिल बिट एंड आई पुल्ड इट आउट, थोड़ा सा ही काम जा रहा है, ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर ही वाज फाइन।
नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं आपका दांत निकालूंगा मेरा बेटे अगर ऐसे सब आने लग गए मेरे कम पड़ जाएंगे सब आके एक एक भी निकाल जाओगे तो ऐसे भी देखते हैं हम जो हमें भी धमका के जाते हैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा आपका भी निकालूंगा मैं गब्बर सिंह की फैमिली से कोई भी और अंकल और वहाँ पेरेंट्स उनके ऐसे एम्बेरस हो रहे होते हैं क्या बोल रहे हैं तो ठीक काम कर रही है आराम से कर दिया पता नहीं चला और नेक्स्ट टाइम आपके निकालूंगा फिर मैं आगे से ये कह रही बेटा ये ले जाओ मम्मी पापा के निकाल लेना मेरे जो पीछे पड़े आपने निकाला उन्होंने थोड़ी निकाला आपने निकाला आपका ही निकालेंगे सबसे फन एक्सपीरियंस होता है ढाई साल से लेके मतलब टॉडलर वाली एज जब बच्चे को पता है कि मेरे साथ ये हो रहा है और उसको एक्सप्रेस करना है कि हाँ है ये तो वो फन एक्सपीरियंस नहीं होता है भाई बिल्कुल फन एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है एंड वो बच्चे आपको हर चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते पेन सेंसिटिविटी उनके लिए एक चीज है आपको सेंस करनी है कि उसको पेन है या सेंसिटिविटी है एंड उसको पेरेंट्स ने पकड़ रखा है ट्रीटमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ हो रहा है वो अ लॉट ऑफ टाइम्स वो समटाइम्स इट्स वेरी ओके समटाइम्स इट्स ऑलवेज पेनफुल टू मी एज वेल क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चा है और मैं कल की बात बताती हूँ एक पेशेंट आई तीन साढ़े तीन साल की है दे आर ट्विंस तो आई उसके आगे के दांत के नोट के नाल होना था तो आगे के चार दांत कुछ पेन नहीं हो रहा था उसको एक विजिट हो चुकी थी दूसरे विजिट थी कुछ पेन नहीं था पॉटी निकाल के मैं इरीगेट कर रही थी इरीगेट मतलब मैं अपनी मेडिसिन से उसको क्लीन कर रही थी बहुत जोर से बोल रही जाना है फिर मैं बोला रोटी पीनी है आइसक्रीम खानी है शांति आइसक्रीम खानी है पहले ट्रीटमेंट करवाओ कौन सा चाहिए ये भी और ये भी दोनों एक मिलेगा दोनों दोनों तो बच्चे आते हैं ऑफ कोर्स इट्स अ फन थिंग बट पेनफुल भी होता है जब रूट कैनाल्स होती हैं बहुत छोटे बच्चे तीन साल के बच्चे भी रूट कैनाल है ठीक है ऐसा क्या कर लिया उन्होंने दूध की बोतल आपने बोला था हाँ दूध की बोतल इट्स हार्मफुल वेरी हार्मफुल क्योंकि नॉट एवरी पेरेंट पोस्ट फीडिंग या तो आप उनके टीथ क्लीन करो दूसरा शुगर नहीं ऐड करो बिना चीनी वाली दीदी जैसे आप बता रहे हो ना कि बॉटल की वजह से उसका रूट कैनाल देना तो जैसे कई बार होता है बच्चों के ब्लैक हो गए टीथ या अजीब से हो गए बहुत नॉन अनहाइजीनिक वाले वो भी दूध की बॉटल की वजह से हो सकता है दूध की बॉटल इज वन रीजन बट दूध की बॉटल के बाद आपने दांत क्लीन नहीं किए आप उसमें चीनी डाल के दे रहे हो तो आप एड ऑन चीजें करते चले जा रहे हो कि क्यों मे बी आपको नॉलेज नहीं है मे बी आपके घर में बोला गया है कि हमने भी तो तुम्हें दिया है हमने भी तो इनको दिया है इनके दांत तो बिल्कुल ठीक थे इन्होंने तो ऐसे नहीं किया इनके तो ऐसा हुआ नहीं तो दैट इज अ प्रॉब्लम द पॉइंट इज व्हेन आई नाउ दैट माय डॉटर इज 2.5 years देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इवन आई हैड मतलब इवन माय पेरेंट्स माय इन-लॉज एंड एवरीबॉडी सेड कि नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग दिस शुड नॉट बी डन हमने भी तो किया है तुम्हारे साथ हम भी तो करते थे यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन तो देयर हैज टू बी अ थिंग नो कि ठीक है आपने किया वेल एंड गुड बट एडवांसमेंट आ गई है मोर स्टडीज आ गई है तो लेट्स लर्न न्यू थिंग्स तो टीथ मतलब आपके स्किन टाइप की तरह एवरीवन वेरीज ऑफ कोर्स एवरीवन वेरीज मतलब ब्रेस्ट फीडिंग या मदर फीडिंग आई वुड से इज अप टू 1 इयर्स इज स्टिल ओके But I've seen parents, I've seen mothers feeding the baby till 5 years and 6 years, which is not good. Which is not good for the mother's health as well. Baby के लिए तो of course ठीक नहीं है, mother के लिए भी ठीक नहीं है. Baby के लिए क्यों ठीक नहीं है? कि भैया आप रात को जब आप उठे सोए एक उसका एक diet नहीं है complete. That is why he or she is waking up at night. उसको एक आदत लगी हुई है. That is a pacifier for him to soothe him. बेबी तो आपको एक पॉजिटिव टाइम पे आफ्टर अ ईयर
आपको स्टॉप करना ही है. सेम गोज फॉर बॉटल. बट नाउ अगर आप आज की डेट में फॉर्मुला मिल्क भी देते हैं बेबीज को, या पीडियाट्रिशियंस के पास भी जाते हैं, उसमें स्ट्रिक्ट नीचे नोट लिखा हुआ है, डू नॉट गिव बॉटल, फीड द बेबी विद द स्पून एंड द बाउल. अच्छा, ये नोट होता है नीचे, बिकॉज बॉटल फीडिंग इज नॉट गुड. यस, हमें देना पड़ता है, अ लॉट ऑफ टाइम पीपल गो हेड विद इट. बट ये पोस्ट फीडिंग आप कॉटन का कपड़ा गीला कीजिए, उसको क्लीन कीजिए माउथ को. सिंस द टाइम द बेबी इज बोर्न, गम्स शुड ऑल्सो बी क्लीन एवरी डे एंड आफ्टर एवरी मील. दीदी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप एक लाइक कथक डांसर भी हो, तो सबसे पहले तो मेरे को लाइक इस बारे में तो आप मुझे पूरा दिन बात करवा लो, बिकॉज मैंने भी कथक सीखा था. कथक इज रिलैक्स. तो आउट ऑफ ऑल डेंटिस्ट एंड आपका जो सारा ही बच्चे के साथ पूरा दिन स्ट्रेसफुल मैं कहूंगी डे, इसके बाद आपको कथक के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता? आपने कथक कितना टाइम सीखा है एंड क्या कथक से आपको इतनी पेशेंस मिलती है कि आप उन बच्चों को संभाल सकोगे? To be very honest, it's been very long. जब मैंने लास्ट कथक किया होगा, जब मैं कथक सीख रही थी तब मैं जरूर परफॉर्म करती थी. स्कूल के जो ओपनिंग इनॉग्रल फंक्शंस होते थे, कल्चरल इवेंट्स होते थे, तो ओपनिंग डांस यूज टू बी कथक एंड आई यूज टू परफॉर्म. फिर जिनसे मैं सीख रही थी गुरुजी से, उनको वो उनकी जो स्टूडेंट है वो एनडीएमसी में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस करवाती थी, तो आई हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस देयर एज वेल इन अ ग्रुप, नॉट सोलो. स्कूल्स वर सोलो परफॉर्मेंसेस. प्लस मेरी मम्मा मिसेस शील, शी इज एन आर्ट टीचर, तो अ लॉट ऑफ इंक्लिनेशन टू ऑल दीज थिंग्स इज जेनेटिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी जेनेटिक. कि आई वॉन्ट टू शेयर, मैंने रेजिन आर्ट ट्राई किया है और मैंने ऑफ कोर्स जियोड भी किया है, मैंने ओशन पेंट भी किया है, आई हैव मेड क्लॉक्स, वॉल क्लॉक्स मेरे घर पे रखी हैं, मैंने क्रॉस स्टिच किया हुआ है, मैंने एम्बॉस पेंटिंग की है, मैंने ग्लास पेंटिंग की है. फिर एक आता है, मैंने अपने मम्मा पापा को 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे एक राधा कृष्णा है बहुत बड़े, तो वो पोस्टर है, तो उनको मैंने डेकोरेट किया, उनकी एक एक माला, उनकी एक एक धोती एंड लहंगा बीड्स लगा के उसको डेकोरेट किया, उसको फ्रेम किया, नहीं पोस्टर, पोस्टर के ऊपर फेविकॉल से चिपका के आई मेड इट फॉर देम एज अ गिफ्ट. दिस इज समथिंग आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट, मैंने कवर ही नहीं किया. और उसमें एक अगर आप मार्केट जाएंगे तो एक शेल पेंटिंग्स भी आती है, यू गेट डिफरेंट कलर्स एंड काइंड्स ऑफ शेल्स, और आपको साथ में मिलता है पोस्टर पेंटिंग, आपको वो उस पर स्टिक करना होता है एंड आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, यू कैन पुट इट एज अ इन योर होम एज वेल. मैं वो भी किया है, नया नया बीच में शॉप चढ़ा था बीट पेंटिंग का भी, जिसमें आपको पेन मिलता है, पेन से आपको बीट स्टिक करने होते हैं, ग्लू ऑलरेडी लगी होती है, यू जस्ट हैव टू स्टिक इट, मतलब पुट इट देयर. वो भी एएसएमआर पे भी दिखाते हैं ऐसे, उसको रोल किया फिर उसको. एएसएमआर इज न्यू, हम पुराने हैं थोड़े से, पुरानी चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं. एक बीट दिखा के छोटी सी. हां जी अंकल. निधि जी, इतना सारा कुछ आप कैसे कर रहे हैं? जैसे अंकल आपके साथ रह के बहुत सारी चीजें सीखते हैं, तो ऐसे मम्मा पापा आप बिग जो हैं, जो हूँ, जितना सब है, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर हार्ड वर्क. मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में थे, माय मदर वाज अ टीचर, आर्ट टीचर, मेरे फादर इंश्योरेंस में थे. एक चीज उन्होंने सिखाई थी कॉलेज में डालने से पहले, एक चीज बोली थी कि बेटा हम बहुत फीस लगा के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बट मेक श्योर अगर कोई गरीब तुम्हारे क्लिनिक पे आए तो सिर्फ पेमेंट के चक्कर में वापस ना जाए, मेक श्योर अबाउट दिस. लॉस में कर लेना पर काम जरूर करके भेजना, दर्द में किसी को वापस नहीं भेजना. तो आई ओ अलॉट, मतलब आई ओ एवरीथिंग टू देम. प्लस उन्होंने शादी बहुत अच्छी जगह कर दी, माई हस्बैंड इज द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम देयर, my in-laws are pretty good, I'm blessed with an amazing daughter jiski shaitaniyan khatam nahi hoti. aur clinic mein baith ke wohi aadhe patient dekhti rehti, matlab uska agar main usko kehti hu Rayana aap kahan ja rahe ho, mamma main patient dekhne ja rahi hu, patient wait kar raha hai, dawai likhne ja rahi hu,
अच्छा क्या हुआ पेशेंट को? वही हो गई है टीथ में, बिकॉज एट टाइम्स आई टॉक इन फ्रंट ऑफ हर, तो उसको लगता है यही एक लाइफ है, यही एक चीज है, बिकॉज ऑफ कोर्स माय फादर इन लॉ इज आल्सो वर्किंग, ही इज डीएनबी मेडिसिन, मदर इन लॉ मेरी गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, तो उसको लगता है यही दुनिया है, बस पेशेंट होता है और दवाई लिखनी होती है और इसी में दुनिया समिट, ऐसे लग रहा है यही यही एक वर्ल्ड है उसके लिए। और एक उसकी मासी है, माई यंगर सिस्टर, शी इज ऑल्सो एनेस्थेटिस्ट, उसके हस्बैंड हैं वो भी एनेस्थेटिस्ट हैं, तो शी इज मोर अटैच्ड टू बोथ ऑफ देम। अंकल मैंने प्रैक्टिस जो स्टार्ट करी थी हरिनगर में पोस्ट वेडिंग, इसका मेजर क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को। आई वॉज नॉट इन अ फेवर, वेरी ऑनेस्टली, मेरे को था नौकरी जाओ काम करो पैसे लाओ अपना मौज करो, यही लाइफ है, ये लाइफ नहीं है, लाइफ है अपना क्लिनिक खोलो, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लिनिक चलाओ, और दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। एंड दे गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे, तो मेरे क्लिनिक की इनॉग्रेशन डेट है 1st September, दैट इज माई बर्थडे। तो आई ओ अ लॉट टू माई पेरेंट्स, अ लॉट, उनका मेजर जो उन्होंने मुझे ब्रॉट अप किया फर्स्ट, सेकेंड जहाँ शादी कर दी वो, थर्ड गोविंद इज अमेजिंग, वो ही कर सकता है मेरे साथ और अपने काम के साथ, वो ही मैनेज कर सकता है हम सबको, वरना इट वुड हैव बीन अ टफ जर्नी फॉर एनीबॉडी एल्स। बहुत लकी है, तो बहुत कृपा करें आपको और इसी तरह लाइफ को एंजॉय करो और सोसाइटी की सेवा करते रहो। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। एंड जो कोई, अगर आप आपके घर में कोई काम कर रहा है या कोई रिक्शा वाला है या कुछ भी, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज सेंड देम टू अस, क्योंकि हम चैरिटेबल भी स्टार्ट, मतलब हमारा एक चैरिटेबल यूनिट भी मैंने किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई ऐसा नहीं है, चाहे हम उनको खाली मेडिसिन लिख के देते हैं, बहुत बार ट्रीटमेंट करके देते हैं, इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो बाकी चाहे चैरिटेबल में कंटिन्यू करवा ले, इनिशियल जो आपको पेन से रिलीफ है या जो गाइडेंस है वो हम आपको जरूर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही और बहुत सारे लोगों को जरूर इससे हेल्प मिलेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू रुबानी, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपने बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, बहुत सारी अवेयरनेस जो शेयर की आपने। अब प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए छोटा सा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? Don't take kids' oral health for granted. Especially ये जो एक myth, एक जो phrase चल रहा है, चलता रहता है और हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, अंकल जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से सुन रहे हैं, ये तो दूध के दांते टूट ही जाएंगे ये टूट जाएंगे, बट बच्चों के जो दूध के दांत जो molars होते हैं वो टूटते हैं अराउंड 11 to 12 years, दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर आपके मोलर्स ही खराब है, अगर उनमें ही कीड़ा लगा है, उनमें ही पेन है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बच्चा खाना सही से खा पाएगा? जब खाना नहीं खाएगा, एपेटाइट अगर है भी तो स्लो ग्रेजुअली कम हो जाएगी, खाना ही नहीं खा सकता, उसको पेन और डिस्कम्फर्ट है, तो ओवरऑल हेल्थ लो डाउन हो जाएगी। डोंट टेक मिल्क टीथ फॉर ग्रांटेड, गेट देम ट्रीटेड एएसएपी। डेंटल हेल्थ जितना, डेंटल ट्रीटमेंट आप जितना पुराना, जितना लेट करेंगे उतना कॉस्टली होगा। इनिशियली आप क्लीन करवा रहे हैं, फिल करवा रहे हैं, फिल नहीं करवाएंगे तो फिर रूट कैनाल पे जाएंगे, रूट कैनाल नहीं करवाएंगे तो इम्प्लांट करेंगे, सो इसलिए हम डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इनिशियली हम सारे नुस्खे अपना लेते हैं, फिटकरी, सरसों का तेल, नमक और पता नहीं क्या कुछ नहीं, इनिशियली जाओ, छोटा ट्रीटमेंट है, चेयर टाइम कम है, क्विक हो जाएगा, पेन कम होगा, क्विक करवाओ, क्विक खत्म करो। डोंट वेट फॉर अप टिल मतलब वेरी लास्ट मोमेंट, जब हाथ से ही सब चीजें निकल जाती हैं। दोस्तों जिस तरह हम घर में मशीनरी कोई भी यूज करते हैं, गाड़ी बाइक यूज करते हैं और उसमें हल्की सी आवाज आती है तो इमीडिएटली हम उसे वर्कशॉप लेके जाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, उससे कई गुना इम्पोर्टेंट है आज जो डॉक्टर निधि जी ने टिप्स दिए हमारी दांतों की हेल्थ के बारे में।
तो मेरे ख्याल आपके सारे डाउट्स आप क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद भी आप इनसे मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मिल सकते हैं। ये हरिनगर में इनका क्लिनिक है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड में। बहुत सालों से वहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और आपके मन में सवाल हो किसी और पर्सनैलिटी को, क्योंकि हम हर बार एक नई पर्सनैलिटी को, एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं ताकि आपको घर बैठे मैक्सिमम जानकारी मिल सके, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम का सलूशन आपको घर पे ही मिल सके। नेक्स्ट, आप क्या किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, और आज के जितने पॉइंट डिस्कस किए उनमें से सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। आप सभी के लिए हमारी यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे, आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और दूसरों में खुशियां बांटते रहो। थैंक यू डॉक्टर निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।